करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रायमर टीमान केमिकल रिएक्शन को नोट डाउन करो। ये भैया इतनी इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं कितने एग्जाम में पूछी गई है। ऐसे लग रहा है जैसे संजू भाई की गर्लफ्रेंड्स हूं, इतने एग्जाम में पूछी गई है। तो अब राइमर टीमान केमिकल रिएक्शन किस पे परफॉर्म होती है वो हमें चेक करने की जरूरत है। यहां काम की चीज एक ही है कि किस पे परफॉर्म होती है, क्या बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे परफॉर्म होती है, क्या बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दैट केस आपको मैं क्या बोल रहा हूं, जरा आप चेक करना। ये राइमर टीमान केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है फिनोल पे। किस पे परफॉर्म होती है, फिनोल पे। प्लीज आप लिख लो, फिनोल पे। साथ में क्या लेते हो, क्लोरोफॉर्म। और एक मजेदार बात, ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिली है वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन ज्यादातर बेसिक मीडियम में होती है। तो यहां पर भी क्या इस्तेमाल करोगे, NaOH। समझ में आ गया। अब अगर ये आप लेते हो रिएक्टेंट, ध्यान से समझना, इसमें एक है फिनोल, क्लोरोफॉर्म, NaOH, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल रहा है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको बोलते हैं सैलिसिलेडीआई। तो आपको करना क्या है, आपको ये फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगाना है, बस खत्म, कहानी खत्म। अब इसकी अगर मैकेनिज्म जाननी है, वैसे मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती, लेकिन मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं है जिसमें मैंने मैकेनिज्म का वीडियो ना बनाया हो, चेक करना मिल जाएगा। पर अभी क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है और इसमें मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती, तो आपको डायरेक्टली याद करना है कि आप फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगाओगे क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने के बाद। तो फाइनली क्या आंसर बनेगा, यस, आप लोगों को इस प्रोडक्ट को याद रखना है, सैलिसिलेडीआइड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे CHO चिपकाना है, इतना सा काम करना है और आपका काम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राइमर टीमान याद है तो ऐसी रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, उसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, कोल्बे रिएक्शन जो है ना, पहले आप ये लिख लो राइमर टीमान, सबको याद हो गई। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को मैं चलो राइमर टीमान के साथ कोल्बे को भी याद करा देता हूं। तो मैं आपको फिर से यहां लिख के बता रहा हूं, देखो राइमर टीमान जो रिएक्शन होती है वो परफॉर्म होती है फिनोल पे। सच्ची बात, माहेश्वरी साम्राज्य की कसम, सच्ची बोल रहा हूं। अब उस केस में आपको यहां पर CHCl3 लेना होता है NaOH की प्रेजेंस में। ये राइमर टीमान है, क्या बनेगा, माहेश्वरी साम्राज्य की कसम ये बन जाएगा, सच्ची बता रहा हूं, संजू बाबा की कसम ये बन जाएगा, जिसको बोलते हैं सैलिसिलेडीहाइड। आ रहा है समझ में, सैलिसिलेडीहाइड। लेकिन अगर मान लो आपको कोल्बे रिएक्शन देखनी है, कोल्बे, इन दैट केस आपको क्या लेना है, CHCl3 नहीं लेना, ये CHCl3 नहीं लेना, आपको CO2 लेना है। CO2 गैस ले लोगे, ले लोगे, पहले CO2 में रिएक्शन कराओ, साथ में आप बेसिक मीडियम तो लोगे ही, और इसके साथ आप इसका एसिडिफिकेशन करा देना। दो प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है कोल्बे, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। कितना आसान है भाई बहन है ये दोनों, ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। क्या इसको याद करने के लिए तुम्हें लाल चट्टी चाहिए, शक्तिमान बनना पड़ेगा तुम लोगों को, बताओ मुझे चैट में लिख के बताओ, ये ऊपर वाली कौन सी है, RT राइमर टीमान, ये वाली नीचे वाली कौन सी है, कोल्बे रिएक्शन, क्या है इसके अंदर, कोई लाल चट्टी लेनी पड़ेगी तुम लोगों को, शक्तिमान बनना पड़ेगा, हंस के बता दो, एक बार चाय पी लेता हूं, घूंट लगा लेता हूं, मम्मी को बोलो मेरे नाम की एक एक्स्ट्रा रोटी खाओगे सब लोग, है ना, गलत होता है चाय से, सच्ची बता रहा हूं, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब यहां पर हमने ये रिएक्शन कर ली, ठीक है, अब ध्यान से आप चेक करते रहना, राइमर टीमान के अंदर क्या, फिनोल लेना है, सैलिसिलेडीएट बना देना है, बात खत्म।